मैं मीना बाजार के अंदर, मेरा जो कराची के अंदर अपना हैदराबाद के अंदर मेरा वेज सप्लाई का काम है बड़े पैमाने पे। तो ये मैं शाम वक्त 4 बजे के बाद जाती थी, मैं अपना मीना बाजार जाती थी। तो वो वहां तैयार होने आती थी, मतलब इस तरीके से तैयार होने आती थी कि मुजरे में जो औरतें जाती है ना, उस तरीके से वो तैयार होने आती थी। इतना मेकअप करवाती थी दुल्हनों की तरह, और नए नए बंदे आते थे उसके साथ। मतलब एक बंदा नहीं होता था इसके साथ, कभी कोई होता था कभी कोई होता था। पूछने में बताती थी कि ये मेरे कजन है, सही है। और इतना तैयार होती थी, और फिर है ना, मतलब जब तक तैयार का मतलब वो लड़कियों का टाइम आता है ना, तो इतनी देर तक वो अपना बर्गर मंगाती, बोटले मंगाती, मतलब शहाना खर्च होता था उसका, बहुत खुला खर्च करती थी पैसा। और बर्गर मंगाती थी, फिर और टिप भी, मतलब वो जो बाकी लड़की आके ना उसको जो पैसे देती थी ना, तो वो बोलती थी तुम ले जाओ, तुम रख लो इसे। अच्छा, वो जब पर्स खोलती थी तो उसके पर्स के अंदर इतनी इतनी नोटों की गड्डियां होती थी। और फिर मतलब वो, मैं इस बेस पे अटैक हुई, अट्रैक आया मुझे कि उसने सिंधी में बात की, क्योंकि मैं भी सिंधी हूँ ना, तो सिंधी में बात की। तो फिर मैंने बोला कि आप इतनी तैयार होने आए दिन मतलब आती रहती हैं, तो मतलब क्या है। तो बोला मैं है ना डांस वगैरह का प्रोग्राम होता है, उसमें मैं जाती हूँ डांस वांस करने। तो कुछ मजाक मजाक में मैंने बोला तो आप हीरोइन बन जाते। बोला हाँ हाँ बिल्कुल जाऊंगी, बॉलीवुड में मतलब मैं जाऊंगी, अपना पूरा पूरा मतलब वो मैंने दिया हुआ भी है, और मतलब मैं बॉलीवुड भी जाऊंगी, मैं दुबई भी आती जाती हूँ। मैं ये, मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप PIA के अंदर, जो अपना ये कराची एयरपोर्ट के अंदर आप इंक्वायरी कराओ, तो ये एक बार नहीं कई बार दुबई आना जाना इसका हुआ है। ये एक बार नहीं गई है दुबई, ये इसका आना जाना था ही था, मतलब दुबई में आना जाना था। और ऐसे तैयार हो कि गाड़ियां नीचे आती थी उसके अंदर जाती थी ये बंदी, और इतने अच्छे कपड़े पहनती थी, मतलब क्योंकि 70-80 हजार में तो बंदा इतना तो अय्याश या नहीं कर सकता है कि गड्डियों की गड्डियां जो पर्स के अंदर हो। वो कुछ दूसरा काम, और मीना बाजार देखो अच्छी जगह भी है बुरी जगह भी है, जो कराची के अंदर है ब्यूटी पार्लर में अच्छे बुरे सारे लोग होते हैं वहां पे, अच्छी औरतें भी आती है, नमाज सलवात की पाबंद भी औरतें बैठी हुई है, और 2 नंबरियां भी औरतें हैं जो बाकायदा टाइम देती है और उसको नीचे पिकअप करते हैं, लड़के गाड़ियां सब पिकअप करती है। तो वो पिक होके और जाती थी, मतलब तैयार ऐसे होती थी कि दुल्हन भी इसके आगे शर्मा जाए, ऐसी तैयार होती थी। और जो मतलब तैयार होने आती थी, स्टाइल वगैरह बालों का बनाती थी, मेकअप वगैरह करती थी, तो मतलब कभी ये नहीं बोलती थी कि तुम इतना सारे पैसे ले रहे हो तो कुछ तो रियायत करो ना, मैं तुम्हारी पुरानी क्लाइंट हूँ आती जाती हूँ, मतलब खुले दिल से पैसे देती थी, टिप देती थी, मतलब शाहाना तरीके से आती थी। तो अच्छा, मगर अभी वो बोल, आपकी मगर बातों से अभी तो अंदाजा होता है कि वो गुलाम हैदर का पैसा इस तरह से उड़ाती थी जैसे कोई हराम का पैसा हो, लेकिन यहाँ पे तो वो कह रही है कि उसके ऊपर बड़ी सख्ती थी और उसके पास कोई रुपया भी नहीं नहीं था। हैदर का पैसा नहीं था, हैदर का पैसा तो उड़ाती थी, बाकी उसकी ऊपर की भी आमदनियां बहुत थी, ऐसे ऊपर मतलब वो रुपए थे दूसरे गलत आमदनी। अच्छा मुझे बताओ अभी कितने कजन है, कोई 25-50 कजन थोड़ी होते हैं एक बंदी के, रोजाना नए नए बंदों के साथ। कभी बाइक आती थी बाइक में, मगर जाती थी गाड़ियों में, आती थी बाइक में किसी के साथ, फिर रात के वक्त मतलब वो तैयार वैयार होके और तो जाती थी मतलब वो उसके अंदर गाड़ियों के अंदर, जो पूरी ब्लैक ब्लैक प्रूफ गाड़ियां होती है ना, जो काली जो मतलब शीशे वाली गाड़ियां, उसके अंदर जाती थी ऐसे। तो मुझे मुझे पता। और फिर मतलब कोई बात बात भी कुछ हुई थी, तो इसने बोला था मैं बॉलीवुड में जाऊंगी, तो हम लोग हंसते थे कि ये पागल हो गई ये औरत, बॉलीवुड में ये थकी हुई औरत को कौन लेगा, 3 बच्चे की माँ को। तब इसके ये बच्चा नहीं था तब से वो आ रही थी, अभी तो मैंने वहां जाना छोड़ दिया है, मुझे नी प्रॉब्लम हो गया है, तब मैंने वहां जाना छोड़ दिया है। मीना बाजार में कम जाती हूँ, मगर कॉन्टेक्ट है पूरी, मतलब कराची मुझे जानती है जीनत वैक्स से, के जीनत का वैक्स से अभी भी औरतें आती है मेरे घर से आके ले जाती है। मगर उस वक्त बहुत उरुज पे थी मैं, मतलब बहुत मेरा काम था, और मैं वहां 2-4 घंटे हर पार्लरों में बैठती थी। तो ये मून पार्लर में भी बैठती थी, बहुत सारे और भी पार्लरों के नाम है, 100 के करीब पार्लर है, मगर तकरीबन मून और वो है ना बहुत एक्सपेंसिव पार्लर है,
जो मीना बाजार के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पार्लर है ना, वो वहाँ ये मीना बाजार के अंदर है, तो वहां आती थी तो मैं बोलती थी कि तू मतलब तेरे एरिया में पार्लर नहीं है कि तू इतना दूर से तू यहाँ आती है, तू रहती कहाँ है? वो पता नहीं कुछ हिंदी टाइप का कोई नाम लिया कि मैं वहां रहती हूँ। तो मैं बोले वहां पार्लर नहीं है तुम्हारे यहाँ कि तू यहाँ आती है? तो बोले वहां लोगों की पंचायतें बहुत है ना, तो इसलिए मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ कोई पहचानता नहीं है मुझे। तो इस तरीके से उनसे मुलाकात हुई। फिर मैंने 2 महीना पहले इसको देखा मैंने, तो मैं बोले हाँ ये तो वही औरत है जो मतलब वहां आती थी इसे। तो मुझे इतना दुख हुआ कि अपने मियाँ को धोखा दे के आ रही, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, यहाँ पे इतना ऐश करती थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ हीरोइन बनने के चक्कर में वहां गई है। अच्छा वहां गई है तो अभी एपी सिंह है ना, उसकी गले का हड्डी बन गया है ना, वो उगल सक रही है ना निगल सक रही है। एपी सिंह में वो पूरी तरीके फंस गई है। एपी सिंह असल में उससे माल लूट रहा है, वो जब तक इसका माल लूटता रहेगा तब तक ठीक है, फिर जिस दिन उसके काबिल नहीं रहेगी ना तो वो खुद ही उसको मड़वा डालेगा। हमारे पाकिस्तानियों को मारने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपने तरीके से उसको बंदी को उड़ा डालेगा। और अगर उसको नहीं भी उड़ाएगा ना तो इसकी 3-3 बेटियां हैं। इन एक औरत को सोच आनी चाहिए कि मैं 3 बेटियों की माँ हूँ, आज मैं जवान हूँ कल बूढ़ी हो जाऊंगी, 10-15 साल में मेरी बच्चियां भी जवान हो जाएगी, उनका क्या होगा? ये एपीसी की जो नजर है ना उसकी बेटियों पे भी है, मैं आपको खुला बोलती हूँ, सही है? तो एपीसी पे क्योंकि इसकी बेटियां जवान हो जाएगी तो ये बूढ़ी हो जाएगी, तो फिर उसको इतनी मजबूर हो जाएगी, तो एपीसी की एपीसी जो है ना वकील, जो घटिया वकील, उसको इसकी बात माननी, उसको वो ब्लैकमेल तो हो रही है ऑलरेडी, तो उसको एपीसी की बात माननी पड़ेगी, उसको अपनी बेटियां उसको देनी पड़ेगी। और वो इसके लिए जो ऊंचा नीचा जो हो रहा है ना एपीसी वकील, वकील जो है कमीना घटिया आदमी, वो इसलिए ऊंचा नीचा हो रहा है कि इसलिए बोल रहा है कि बच्चे मेरे हैं, इसको पता है कि लड़कियां भी मुझे आगे चल के माँ काम आएगी तो बच्चियां भी काम आएगी। उसको कोई हमदर्दी नहीं है, ना सीमा से है, ना बच्चों से है, ना पाकिस्तान से है, ना वो अपने इंडिया का भी नहीं है वो। मैं तो बोलती हूँ वो घटिया बंदा अपने इंडिया का भी नहीं है वो जी। तो असल में इसको एपी सिंह जो है ना वो इतना गल्ला बेगैरत इंसान है, इतना घटिया इंसान है, इसको वकील बोलना वकील की तोहीन होती है। वकील होते हैं अच्छे बुरे सारे केस करते, ये नहीं कि सारे अच्छे करते, बुरे भी करते, बुराई को भी बचाते, अच्छाई का भी साथ देते, मगर ये तो इंतहाई घटिया दो मुल्कों के बीच में लड़वाने की चक्कर में है कि कुछ भी करके पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो, और ये अपनी सीमा हैदर के मसले में मसला कश्मीर को लेके आ रहा है, अभी उसका तल्लक ही कोई नहीं है। फिर ये कह रहा है कि पाकिस्तान, कितनी गलत स्टेटमेंट है, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की फैक्ट्री है और वहां पे बच्चे दहशतगर्द बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग फ्रीडम है, आगा खान नहीं है, हम लोग फ्रीडम है, हमें कोई पाबंदी नहीं है, हम आजाद घूम रहे हैं। यहाँ पे लड़कियां स्कूटर चलाती है, पेंट शर्ट पहन के घूम रही है कराची में, हर एरिया में, नॉर्दर्न एरिया जाओ वहां जाओ, बिल्कुल फ्रीडम है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई नाम नहीं लेता है। बल्कि इंडिया के अंदर मैं आपको बताती हूँ, मैं इंडिया में 88 में गई थी तो 2 मियां भी बैठे थे, उसको छेड़ रहे थे, एक बंदे छेड़ रहे थे, तो मैंने उसको बंदे को बोला अगर तुम अगर पाकिस्तान में अगर छेड़ते ना तो तुम्हारे को वही चीड़ फाड़ देते, ये तुम लोग इंडिया की औरतें बिचारी अब बर्दाश्त कर रही है, हमारी तो वहां पे जूते मारती है मुंह तोड़ डालती है, तो तुम लोग कैसे बर्दाश्त, मतलब वहां की औरतें इतना बर्दाश्त करती है इंडिया की, और यहाँ की औरतें तो जूता उठा के मारती है और 10 आदमी वो भी नहीं पूछते कि क्यों मार रही है, वो भी शुरू हो जाते। मैं इसका प्रोग्राम सीमा को जब से देखा है 2-3 महीने हो गए, आप यकीन मानो मैं सोई नहीं हूँ, मैं इतनी दुखी हूँ, इतना रो रही हूँ, मुझे ये दुख हो रहा है कि बेचारा वहां पे सऊदी अरब के अंदर आप जाओ आप 5 मिनट भी बाहर खड़े नहीं रह सकते हो, इतनी धूप होती है, उस धूप के अंदर ये बंदा काम कर रहा है, वहां से कमा के तुझे भेज रहा है बच्चों के लिए, और तू यहाँ आयशिया की उसको सिर्फ हीरोइन बनने के लिए तू पूरी नस्ल को तबाह कर दी, इसने पूरी नस्ल को तबाह कर दिया सिर्फ वो हीरोइन बनने के लिए, बॉलीवुड में जाने के लिए, और इसका कोई मकसद नहीं है। वो इसके मुंह से भी कई बार मैंने सुन चुकी हूँ कि मैं बॉलीवुड जाऊंगी, मैंने काफी मतलब वो भेजा भी है मैंने,
ये जो मतलब जो कर रही है ना सारे नाटक, वो जो इबादत कर रही है अपना मंदिरों में, ये वो जो सारा कर रही है सिर्फ नागरिकता पाने के लिए कर रही है। कल भी जो ये जो एपीसी है, वो जो कल इसका आया है, वो फौजियों के लिए जो शहीद हो गए उनके लिए जो आया है, वो सामने से पढ़ रही है, उसको हिंदी भी सही बोलने नहीं आ रही है। मैंने देखा गौर से, उसको हिंदी भी बोलने सही नहीं आ रही है, उसने लिख के दिया है, वो पढ़ रही है, वो मतलब खुद अपनी उससे नहीं पढ़ रही है। ये एपीसी वकील बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल गिरा हुआ इंसान है। वो सारा जो सारी गेम है ना, वो कर रहा है, वो अपना वो लोगों से पैसे लूट रहा है। वो सचिन वचिन तो सब, वो तो मैं चप्पू लप्पू सा झिंगुर सा, वो तो उसको तो बंदा बोलना ही बेकार है, वो है ही झिंगुर। संदूर से निकला हुआ काला कवा है, झिंगुर भी है। और मैं एक और नया लकब दे रही हूँ, ग्वादर की सूखी हुई खजूर है, जो धूप में सूखा सूखा के जो खजूर हो जाती है ना, वो है उसको। वो सिर्फ पैसे इकट्ठा कर रहा है, लोगों को बोल रहा है कि ये इसके हालात सही नहीं है, आप इसकी हेल्प करो। हेल्प क्या करो, वो अपने करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में डलवा रहा है। वो सीमा को चवन नहीं देता होगा, बाकी 75% वो अपनी जेब में रख रहा होगा। इसीलिए उसके अंदर सीमा और सचिन में जो इंटरेस्ट दिखा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए दिखा रहा है, और कोई चीज के लिए नहीं दिखा रहा है। वो सिर्फ पैसे के लिए, जिस दिन उसका खत्म हो जाएगा ना, उस दिन उसको ऐसी लात मारने वाला है सीमा को कि वो ना पाकिस्तान की रहेगी ना वहां की रहेगी। उसको कुत्ते वाला असर होने वाला है सीमा का, जो ये हरकतें कर रही है ना, वो अपने दिमाग से काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसका दिमाग हो गया है माउफ, बिल्कुल खत्म हो गया है उसका दिमाग। अभी उसका जो दिमाग है ना, वो एपीसी, वो बिल्कुल मतलब मुर्दा औरत हो गई है, क्योंकि वो उसके वो हीरोइन तो नहीं बनी, मगर उसके लिए मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। तो अभी एपीसी सिंह है ना, जो वो उसकी मतलब वो मजबूरियों से खेल रहा है, उसको आगे आगे कर रहा है, उसकी मजबूरियों से वो खेल रहा है वो बंदा, उसको उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे।